हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मूला मिल्क सेफ और हाइजीन तरीके से कैसे बनाया जाता है। बहुत ही इजी है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि मुझे क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं उसको बनाने में। बट मेक श्योर करना है कि हम जब भी फॉर्मूला मिल्क बना रहे हैं, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म हो एकदम क्लीन हो, हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हो स्टेरलाइज्ड और क्लीन हो एकदम। तो पहली चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए, वो है थर्मस। इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं अपने वाटर को 5 मिनट के लिए बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद 30 मिनट के लिए मैं उसको कूल डाउन होने देती हूँ, उसके बाद मैं इसको पानी को इसमें प्रिजर्व कर लेती हूँ ताकि जब मुझे पानी चाहिए मैं इसमें से डायरेक्टली लेके फॉर्मूला मिल्क के लिए यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद हमको चाहिए बॉटल। बॉटल में हमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि बॉटल में मेजरमेंट्स होने चाहिए ताकि हम ईजिली मेजरमेंट के हिसाब से फॉर्मूला मिल्क बना सकें। थर्ड आइटम जो हमें चाहिए वो है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, आपके बेबी पर डिपेंड करता है। आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ करके देख सकते हैं कि आपके बेबी को सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है। मेरे बेबी को नेस्ले बेबा बहुत सूट करता है तो मैं यही यूज़ कर। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बनाने के लिए कि आप बनाने से पहले पैकेज के पीछे डिस्क्रिप्शन में पढ़ें कि कितना कितना हमें मेजरमेंट चाहिए पानी का और फॉर्मूला का बनाने से पहले, और उसी को यूज़ करें। अपने हिसाब से पानी और फॉर्मूला पाउडर ना डालें। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगी, मुझे बनाना है 100 ml फॉर्मूला, तो उसके लिए हमें चाहिए 90 ml वाटर एंड 3 scoops ऑफ फॉर्मूला पाउडर, तो मैं वही यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें से पानी यूज़ करूँगी जो कि ऑलरेडी वॉर्म। यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 90 ml वाटर, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 3 scoops। तो स्पून ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है और आपको यही स्पून यूज़ करनी है। मेक श्योर कि आप इस स्पून को फुल करें और उसके बाद उसको हमें लेवल करना है यहाँ से। ना हमें ज़्यादा डालना है ना हमें कम डालना है, हमें प्रॉपर लेवल किया हुआ पाउडर डालना है। तो मैं इसमें डालूँ, उसके बाद हमें इसे अच्छे से लॉक करके 10 से 20 सेकंड के लिए शेक करना है। तो जब हम शेक करते हैं मिल्क को तो इसमें काफ़ी सारे बबल क्रिएट हो जाते हैं जो कि बेबी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो इसके लिए मैं सारी मम्मीज को सजेस्ट करूंगी कि हमेशा नॉन कॉलिक बॉटल ही यूज़ करें क्योंकि बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है। हमने इसको अच्छे से शेक कर लिया है, उसके बाद हमने इस फॉर्मूला को गर्म पानी में बनाया था ताकि कोई भी बैक्टीरिया हो कोई भी जर्म्स हो सब मर जाएँ। उसके बाद आप बेबी को सर्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसको थोड़ा कूल डाउन करना पड़ेगा रूम टेम्परेचर में क्योंकि हमने इसको गर्म पानी में बनाया था। एंड मेक श्योर आप बेबी को देने से पहले अपने हाथ पे एक बार टेस्ट करें कि जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वो आपको सही लगे टेम्परेचर, तो ही आप अपने बेबी को दो। तो इस प्रोसेस से आप इजीली फॉर्मूला मिल्क बना सकते हो, टाइम पे अपने बेबी को दे सकते हो। बस हमें कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्मूला मिल्क बनाने से पहले कि आप प्रॉपरली सब चीज़ क्लीन हो, आपके हैंड्स प्रॉपरली क्लीन हो फॉर्मूला मिल्क बनाने से पहले, और आपकी बॉटल हमेशा गर्म पानी से यहाँ पे फिल रहे ताकि जब भी आपको फॉर्मूला मिल्क बनाना है आप इजीली उसको पोर करो और फटाफट से फॉर्मूला मिल्क रेडी कर सकते हो। अगर आपको मिल्क फुल डे के लिए बनाना है तो आप मल्टीपल बॉटल्स बना के अपनी फ्रिज में रख सकते हो, और आप जब भी आपको अपनी बेबी को सर्व करना है आप बॉटल को निकाल के उसको 37 डिग्री पे वार्म करके आप अपने बेबी को दे सकते हो। तो इससे लाइफ और भी इजी हो जाएगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।